कारोबार है ही नहीं, आवाम वैसे परेशान है और दूसरा इसने परेशान किया हुआ है। ठीक है, हमें हुकूमत के साथ गर्द नहीं है, हमें रोटी के साथ गर्द है। आवाम की तरफ तो जो ही नहीं है कि इनको कैसे सहूलतें देनी है, कैसे इनका जो माश बेहतर करना है, कैसे इनकी महंगाई कम करनी है, उधर कोई चक्कर नहीं है, हर बंदा अपने चक्कर में लगा हुआ। आप जल्दी बिल से देख लें, ये बच्चों की बुक्स लेने हैं, आप बुक्स देख लें, मेडिसिन देख लें, कहाँ की कहाँ चलेंगी चीज़ें। वो उनका नाम लेते हैं इमरान खान का कि इमरान खान ने किया है, तो अब ना लेते हुकूमत इमरान खान से, उसको कहता भी कर तो हुकूमत, वो करता रहता हुकूमत, हमारे लिए मसाइल क्यों पैदा कर रहे हैं। सर पता क्या, आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, आवाम जो है ना वो पिस रही है, जो सफेद पोश है वो ज़मीन पर चला गया है। अब मुझे ये बताएं कि जो भी इधर हालात बने हैं, क्या हम बाहर के मुमालिक को कोई अच्छा पैगाम दे रहे हैं? क्या इधर उनको पैगाम नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के ये हालात हो गए हैं? एक लीडर के लिए, ये तो बादशाही निज़ाम हो गया ना, एक बंदे के लिए कितने लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है इसकी समझ नहीं लग रही। अब इतनी शेलिंग हुई है, गोली चली है, मामला हुए हैं, लाठी चार्ज हुआ है। तकलीफ इस चीज़ की है कि लाठी, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने लाठी चार्ज किया वो भी मुसलमान थे और जिन पे लाठी चार्ज हुआ वो भी मुसलमान थे। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब के लिए भी मैसेज है कि वो भी जो है वो जल्द इस मामले को हल करें, गिरफ्तारी देनी है। अगर वो सच्चे हैं तो गिरफ्तारी दे के इस मामले को वाइंड अप करें, अगर वो सच्चे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको गिरफ्तारी दे के और बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए, अवाम उनके साथ है। इमरान खान की हुकूमत सी ते ओ हुकूमत अगर हाईजैक ना होंदी, ओ हुकूमत अगर ना टूटदी, ओदा डेढ़ साल बाकी सी, उनू खेडन वास्ते खुला मैदान देना चाहिदा सी। उस तो बाद अवाम बाई इलेक्शन च फैसला कर दे कि वो इस काबिल है वे या इस काबिल नहीं गा। देखिए, हमारे वोट डालने से ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पीछे से होना है सिलेक्ट उन्होंने ही होना है। देखो जी, मेरा तो नज़रिया यही है, जो कुछ हालात हैं वोट किसी को भी ना दे। बहुत कम वोट पड़ेगा, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, या पीटीआई हो, इसमें ना आवाम जो है ना तंग आ गई है इन सब से। लोगों के लिए मिसाइल पैदा नहीं करने चाहिए, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए। अब लोग हैंड टू माउथ हैं, एक दिन दुकान बंद हो जाएगी, कहाँ से लोग खाना खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जो कानून कहता है, हमारा लॉ कहता है, उस तरीके से इनको मामलात करने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, अदारों से टक्कर नहीं ली जाती। बहुत से लीडर आए, बहुत से लीडर आए, आप पीछे हिस्ट्री में देख ले, जिसने अदारों से टक्कर ली है उनका इंजाम आप लोगों के सामने है। बेशुमार 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 बेशुमार